नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंदमूल के विषय पे। बहुत से लोगों को दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कंदमूल के निकाल कर खोद कर वीडियो दिखाइए, इसके विषय पर बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे। तो हमने सोचा इस चीज़ पर दोस्तों हम वीडियो बनाएं। तो देख सकते हैं अभी आप जो पौधा देख रहे हैं ये कंदमूल साबुन दाना का पौधा है। इससे ही साबुन दाना है वो बने जाता है। इनके तने और इनके कन से दोस्तों जो साबुन दाना है वो बनाया जाता है। ये पौधा दोस्तों पूरी तरीके से साल भर सदैव हरा भरा कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट आज मुद्दे पर बात करेंगे कंदमूल को निकालने के विषय पर। तभी मैं दोस्तों अपने प्लांट में हूँ और यहीं पर दोस्तों आज कंदमूल की देख सकते हैं यहाँ की जो कंदमूल है इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले पौधे को दोस्तों हमें निकाल के फेंक देना है। पौधों की पत्तियाँ आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि पौधों की पत्तियाँ दोस्तों अभी झड़ चुका है। इस मौसम ये झड़ता तो नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ जानवर है तो वो खा गए थे इस पौधे की पत्तियों को, तो जिसके कारण हम इनको निकाल रहे हैं। देख सकते हैं निकालने के लिए कुछ औजार की हमें आवश्यकता होती है जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। पौधों की पत्तियां आप देख ही रहे हैं, तो औजार की आवश्यकता हमें पड़ती है दोस्तों इसको निकालने के लिए, क्योंकि आप अपने हल्के हाथों से इसे नहीं निकाल सकते और इनके जड़ और तनों से ही दोस्तों जो साबुन दाना है वो बनाया जाता है। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ हम मान सकते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों फटाफट इनको खन के निकालते हैं आखिर कितना बड़ा और कितने साइज का जो कंदमूल है जो निकलता है। तो पौधे की जो वैरायटी है दोस्तों वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी। पौधा लगभग 15 फीट के आसपास था लेकिन जड़ सड़ गए थे, तो सड़ने कारण दोस्तों इसमें जो कंद है वो अच्छे से तो नहीं बन पाया था। फिर भी जितना बना है उतना हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें कंद दिखने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ खुदाई कर देते हैं अपने कुदाल से, फिर आपको सारे इन्फॉर्मेशन बाय टू बाय एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो हमने एक कंद देख सकते हैं यहाँ से निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं मेरे हाथों में अब सफ़ेद रंग की हल्की मिट्टी लगे होने के कारण दोस्तों ये जो रंग है आप देख रहे हैं थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है, लेकिन धोने के बाद ये पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाता है और इसका स्वाद हम आगे आपको बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए यहाँ की जो मिट्टी है उनको अच्छे से निकालना होगा। कंद मुख्य रूप से लगभग मिट्टी में दोस्तों 1 फीट के अंदर पाया जाता है, उतना ज़्यादा गहरा नहीं होता। इनके जितने ज़्यादा पौधे की जड़ें होते हैं सभी जड़ों से कंद निकलते हैं और इन्हीं साइज में कंद रहते हैं। और हमने कई बार आपको दोस्तों कंद को खान के दिखा दिया है। देख सकते हैं पौधे का जड़ पूरी तरीके से सड़ा होने के कारण इनमें से कंद बहुत ही कम निकले हैं, क्योंकि दोस्तों ये पानी का रिसाव समय समय पर होते रहता है जिसके कारण यहाँ पर कंद नहीं निकला है। और ये हमने दोस्तों इतनी हार्वेस्टिंग कर लिया है आज। इनकी पत्तियाँ आप देख ही रहे हैं, हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी देते रहते थे कुछ इस तरीके से इनकी पत्तियाँ वगैरह होती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको देखने में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों द्वारा हमने तो इस पर लगभग 4 से 5 6 7 वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था दोस्तों आप इसको खोद कर निकाल कर दिखाइए इसके विषय पर। तो हमने उसको भी दोस्तों आपको आज देख सकते हैं दिखा दिया है। पौधा थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण दोस्तों उनमें से जितना उम्मीद था उतना तो नहीं निकल पाया, लेकिन हाँ दोस्तों आपको बता दें जितना भी निकला है वो प्रॉपर है अपने घरेलू उपयोग के लिए, क्योंकि साबुन दाना इनसे बनाया जाता है। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर पका वका कर भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। देख सकते हैं कुछ इतनी मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है। स्वाद की बात करें दोस्तों तो इसका जो स्वाद है लगभग 60 से 70% जो सिंघाड़े की स्वाद होता है उससे ये पूरी तरीके से मिलता है, और आप इसको खाते हैं तो आपको सिंघाड़े की तरह ही इसका जो स्वाद है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सिंघाड़े की स्वाद की विषय में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सिंघाड़ा में भी लगभग 60 से 70% पानी की मात्रा होता है और इसमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है, और इसका स्वाद हल्का सा सिंघाड़े से मीठा होता है। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कंदमूल साबुन दाना के विषय पर। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, और इसके विषय पर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद।